Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या राजेंद्र गुढ़ा ने फिर से बदल लिया है पाला? क्या गुढ़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं? क्या गुढ़ा ने छोड़ दिया है शिवसेना का साथ? ये सवाल इस वक्त सियासी हलकों में छाए हुए हैं। दरअसल बुधवार को राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान बीजेपी चुनाव सह प्रभारी विजय राहटकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद से ये चर्चाएं चलने लगी कि क्या गुढ़ा ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुढ़ा ने कहा कि वो शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान कोऑर्डिनेटर है, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का अलायंस है। ऐसे में वो राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा के 1926 को, तो इसके अंदर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना शिंदे गुट के मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूं और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा अलायंस है और उस अलायंस की को दृष्टि में रखते हुए हम भाजपा को समर्थन राजस्थान में भी सभी सीटों पर कर रहे हैं और ये जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और हमारे राजस्थान की सरकार हमारे पार्टी हमारा जो अलायंस है बीजेपी है इसमें जिस जगह काम करना है जो भी उनके निर्देश होंगे जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। झुंझुनू से प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के खिलाफ प्रचार करने से जुड़े सवाल पर गुढ़ा ने कहा कि वो बीजेपी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। गहलोत राज में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा कल तक अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे थे। इस यात्रा के दौरान वो झुंझुनू से बीजेपी के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को वोट नहीं करने की अपील कर रहे थे। गुढ़ा ने शुभकरण चौधरी पर जातिवादी और भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए खुलेआम ऐलान किया था कि वो व्यक्ति झुंझुनू से हर किस जीतना नहीं चाहिए। अब पिछले 3-4 दिन में गुढ़ा ने दर्जनों गांव में जाकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की है। वहीं गुढ़ा बुधवार को बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। जयपुर में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बीजेपी के नेताओं के साथ एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुढ़ा ने कहा कि वो शिवसेना पार्टी से हैं और राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन है, इसलिए वो राजस्थान बीजेपी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। हमने 3 चुनाव आपके सामने लड़े हमने और याद ना करें हम तो लोगों से रोज मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है, यात्रा को हमारा चलता रहता है। ये तो आप लोग नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो उसके आपको बता दें कि गुढ़ा ने 2018 में बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़ा था, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में गुढ़ा ने शिवसेना से चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को चुनौती दी थी और अब उन्हीं के समर्थन में खड़े नजर आएंगे। गुढ़ा ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से देश में सिटिंग सीएम जेल जा रहे हैं उसी प्रकार से राजस्थान में भी बहुत जल्द कुछ ऐसे खुलासे होंगे जिसके बाद यहाँ भी कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे होंगे। वही राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना शिंदे के साथ हूं और वही रहूंगा। आपका राजेंद्र गुढ़ा को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।